जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जहां पे आंकड़े आते थे कि सरकार के कामकाज किस हिसाब से चल रहा है, जो एक मीटर था सरकार के कामकाज को नापने का, वो संस्था ही ध्वस्त हो चुकी है। आपको पता 1934 में जो किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, सहजानंद सरस्वती उनका नाम था, उन्होंने एक नारा दिया था उस टाइम में कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा कानून वही बनाएगा। 1934 में ये कहा था उन्होंने, किसके लिए? किसानों के लिए। किसान आंदोलन के वो जनक कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था जो अन्न वस्त्र उपजाएगा कानून वही बनाएगा, ये भारत वर्ष इन्हीं का है, ये देश यही चलाएगा। और हमारे साथ अरविंद वत्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कुछ लोग हैं। तो अरविंद जी, 2 महीने हो चुके हैं, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आंदोलन की दिशा और दशा दोनों चीज़ें लोगों को दिख रही है कि सरकार की मजबूरी है कि बिल वापस नहीं लेना, और इसलिए दबाव में है कि सरकार जिस तरह से कॉरपोरेट के हाथों के खिलौना है ना, इसका सबसे बड़ा सबूत ये आ चुका है कि आज ही एक रिपोर्ट आई है कि जो हमारे उद्योगपति हैं जिनका संपत्ति लॉकडाउन के दरमियान सिर्फ 35% से ज़्यादा बढ़ गया, 80 करोड़ से ज़्यादा जनता 2 वक्त के रोजी रोटी के लिए मोहताज थी, तो ये कानून बना के लॉकडाउन में किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और किस मजबूरी में ये सरकार वापस नहीं ले रही है। जिस जनता के पैसे से ये संसद चलती है, पर मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्चा, उसी जनता के वजह से और उसी जनता से ये सरकार भी है। सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट के अंदर में ये कानून वापस ले ले और जो किसानों की मांग है उसके साथ नया कानून बना दे। सिंपल सी बात है, मजबूरी ये है कि कॉरपोरेट का प्रेशर दबाव है, सरकार वापस नहीं ले रही है, लेकिन किसानों की ताकत ऐसी है कि ये बिल सरकार को वापस लेना होगा। लेकिन ऐसा प्रेशर क्या है? सरकार तो ये भी कह रही है कि हम 1.5 साल तक 2 साल तक इन कानूनों को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मजबूरी क्या है कि 2 महीने हो गए किसान सड़क पर हैं, मतलब मीडिया का प्रेशर भी किसानों के ऊपर है, तो ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है? यार, ये कानून है कोई वॉशिंग पाउडर थोड़ी है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जो साफ नजर आ रहा है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, स्वामीनाथन के रिपोर्ट ने कहीं नहीं लिखा कि आप 3 कानून बनाइए तब इनका भला होगा। स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट बना के दिया, किसान को सिर्फ वो चाहिए C2+50% MSP की बात करें तो आप स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू कर दीजिए शब्दशः जो आप वादा करके आए थे, किसान को वो चाहिए। स्वामीनाथन के रिपोर्ट ने कहाँ रिकमेंड किया कि किसानों के लिए आप 3 बिल अलग से बना के लाइए, फिर उसमें अपने मर्जी से सब कुछ कीजिए, फिर कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाइए तब किसानों का फायदा होगा। ये किसान 1947 के पहले वाले नहीं है, ये आज के किसान हैं, इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं और ये हर नियम कानून और जो ये नीति लेके आ रहे हैं इनको पता है आज के डेट में। ये जितना बेवकूफ बनाना था, उल्लू बनाना था देश को अपने जुमले से, ये अब बना चुके हैं, क्योंकि हर चीज का अंत होता है। ये किसान उन जुमलों में नहीं फंसे, इसीलिए इस किसान को भारत का अन्नदाता, भारत का गार्जियन कहा जाता है। अच्छा, ये आंदोलन 2 महीने हो चुके हैं और 12-13 दिन का जो 2011-12 में अन्ना आंदोलन हुआ था, उस वक्त जो है पूरा मीडिया कंधे से कंधे मिलाकर जो है मतलब बीजेपी के साथ जो भी पीछे से समर्थन कर रहे थे उस आंदोलन को साथ खड़ा था, और इसको देखिए 2 महीने हो चुके हैं, आज भी ताकत वैसी, मतलब जोश बरकरार आ रहा है किसानों का, लेकिन मीडिया का रोल आप किस तरह से देखते हैं? आज एक रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें आपको अर्नब का चैट गेट का इशू सबको पता है। आप क्या आप विश्वास कर सकते हैं, जो बार्क के पूर्व CEO थे ये पार्थो दास गुप्ता, जो पुलिस कस्टडी में है मुंबई पुलिस में, उन्होंने अपना लिखित बयान दे दिया आज, ये आज की रिपोर्ट है कि अर्नब गोस्वामी ने 2 बार 20-20 लाख रुपए उन्हें 2017 से 2019 के बीच में दिए, $6,000 2 बार उनको फैमिली के लिए जो फॉरेन ट्रिप और जा रहे थे पार्थो दास गुप्ता उसके लिए दिए गए। तो आप बताइए, सब कुछ सामने है, ये मीडिया आज मीडिया कहाँ है? अन्ना आंदोलन मैंने खुद देखा था, मीडिया के टॉप के एंकर वहाँ 24 घंटा बैठे रहते थे, लेकिन आज वो मीडिया है नहीं, आज गोदी मीडिया में तब्दील हो गई है। ये सरकार की आवाज सिर्फ उनका प्रचार तंत्र के लिए काम करती है, जनता तक उनकी आवाज को पहुंचाना, सरकार के सिर्फ झुनझुना बजाना। मीडिया का काम था जनता की बातें सरकार से पूछना, आज गोदी मीडिया के पास, क्योंकि ये सरकार से सवाल नहीं पूछ सकती, तो ये जनता के खिलाफ ही रिपोर्टिंग कर रही है और सरकार के तारीफ दिखाने के चक्कर में ये गोदी मीडिया इस तरह से मशगूल हो गई है, जिसका सबसे ताज़ा नमूना अर्नब गोस्वामी है। और ये TRP का खेल, ये सब चक्कर जो है, जनता को सोचना पड़ेगा कि इस गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, ये अपने पैसे से आप देखते हैं और आपके साथ जो ये धोखाधड़ी हो रहा है, ये आपके साथ नहीं, ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। ये गोदी मीडिया जिस तरह से आपके साथ कर रही है, आने वाले वक्त में अगर आप नहीं संभले तो आप अपने आने वाले नस्लों के साथ भी, समझिए वो उनके साथ भी क्या होगा, क्योंकि ये देश इस तरह से डूब चुका है, इस तरह से अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुके हैं हमारे मोदी जी, कि आज सोचनीय विषय है हर उस इंसान के लिए जो देशभक्त है।
लेकिन अभी जो है सिक्किम में झड़प हुई है चाइना के साथ हमारे सैनिकों की, वो झड़प। और दूसरी तरफ जो है गलवान घाटी में भी जो है चाइना हमारे इधर घुसा हुआ है कई 70 दिनों से, वहाँ पे भी जो है गठजोड़ अभी चल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सरकार जो है बिजी है किसानों को दिल्ली रोकने से। मोदी साहब ने क्या कहा था 2014 के इलेक्शन से पहले, लाल लाल आंखें चाइना को दिखाना है। लाल लाल आंखें चाइना को क्यों नहीं दिखाती है सरकार? जब 2014 से पहले की बात है, जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे मोदी जी, वो लाल लाल आंखें मोदी जी और उनकी सरकार आज के डेट में सिर्फ जनता को दिखा रही है। चाइना वहां पे अरुणाचल में बस्ती बसा लिया, पूरा गाँव बसा लिया, ये चुप बैठे हैं। चाइना ने जमीन हड़प लिया, ये चुप बैठे हैं। इनकी वहां पे ना गोदी मीडिया की औकात है कि वो चाइना के नाम से रिपोर्टिंग कर ले। आज ये किसान जब रोड पे बैठे हैं तो इनमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी ढूंढ रहे हैं, बॉर्डर पे वो अंदर तक घुस रहे हैं, इनको होश नहीं है। लेकिन किसान को आंखें दिखाएंगे, बेरोजगार को आंखें दिखाएंगे, अपनी ही जनता को आंखें लाल लाल करके मोदी जी दिखाएंगे? इनकी हिम्मत नहीं है कि चाइना को आंखें ये दिखा सके। सच्चाई यही है दोस्त। अच्छा, एक पत्रकार हैं रजत शर्मा, वो आपको बताया सरकार के पसंदीदा हैं, तो वो कह रहे थे कि मेरी किसानों से अपील है कि 2 साल के लिए इन कानूनों को जो है आप अमल करके देख लीजिए, अगर उसके बाद आपको फायदा ना हो तो आंदोलन करें। तो आखिर वो है कौन? वो तो पत्रकार है। रजत शर्मा जी से एक बात जाके मैं बोलो और मैं कहना चाहता हूँ कि रजत शर्मा जी, आप 2 साल दलाली छोड़ के पत्रकारिता कर लो पहले। अच्छा, तब ये सलाह देना किसानों को, किसान तब ये सलाह देना इन किसानों को कि 2 साल पहले बिल देख लीजिए। पहले ये जो गोदी मीडिया है 2 साल तक दलाली छोड़ के पत्रकारिता कर ले और तब ये गान बांटे किसानों को आके। अच्छा, अर्नब गोस्वामी है, जिस तरह से जो है पाकिस्तान पे जो हमला हुआ था उसके भी अब लिंक्स चैट सामने वायरल हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही है। सरकार के मंत्रियों को जो है चैट में वो यूजलेस बता रहे हैं, गाली दे रहे हैं सर। आप एक रहे हैं, अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है जो है, और अरुण जेटली को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपना बचाओ। आप एक बात बताओ, अगर अर्नब गोस्वामी के जगह पे रवीश कुमार होता और रिपब्लिक टीवी के जगह पे NDTV होता तो ये सरकार किस तरह से पेश आती? ये आप कल्पना से पड़े हैं कि अगर NDTV से रिपोर्टिंग में एक शब्द कहीं स्लिप ऑफ टंग निकल जाए तो उसको नोटिस चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब नजर आ रहा है कि किस तरह से TRP में हेराफेरी छेड़छाड़, किस तरह से बार के CEO को घुस की दी गई, आप एक चीज बताओ, ये देश की जनता के साथ धोखा है, ये लोकतंत्र के साथ धोखा है। इस लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ था वो ध्वस्त हो चुका है, और मोदी जी जिस संसद के सीढ़ियों को मत्था टेक के आए थे 2014 में, 27th पोजीशन पे डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम थे, आज 51st, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। हमारा लोकतंत्र ही कितना नीचे चला गया, क्या कह सकते हैं। अच्छा, आज तक की मैं बात करूं तो अभी 10 दिन पहले जो है CFO को आज तक के नोटिस आया ED का, और अभी हाल ही में जो उन्होंने एक वो निकाला है सर्वे के योगी आदित्यनाथ को जो है देश के सर्वश्रेष्ठ जो है CM है, और ये जो सर्वे उन्होंने किया है ये जून का है 2020 का, तो मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मुझे एक चीज़ बताओ, ये इतने लोग यहाँ पे खड़ा है, कभी तुम लोगों से सर्वे वाले आए थे पूछने के लिए? नहीं, कोई नहीं। मेरी उम्र हो गई करीब 45 साल से ज्यादा, आज तक कोई सर्वे वाला मुझे नहीं मिला। ये सर्वे किसके ऑफिस में, BJP के दफ्तर में जाके करके आते हैं? ये कहाँ सर्वे करते हैं? कौन से गाँव में करते हैं? कौन से शहर में जाके करते हैं? कौन से ऑफिस में जाके करते हैं? कहते हैं, कोई कहता है मैंने 3,000 लोगों का सैंपल ले लिया, कोई कहता है मैंने 12,000 लोगों का सैंपल ले लिया, कोई 1,00,000 लोगों का सैंपल लिया। अरे यार, ये सैंपल लेने वाला हो सकता है हर गांव में, हर शहर में, एक मोहल्ला किसी एक पार्टी के पक्ष में हो, उस मोहल्ले के तुम 20 लोगों से पूछ ले, उसमें परसेप्शन बना लिया उस शहर का। इस सर्वे के ऊपर कई सवाल पहले उठी है, और ये जहां तक आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हो, अगर किसी सर्वे में NDTV का नंबर 1 चैनल दिखा दिया जाए, अगले दिन ये सर्वे करके कहीं से ले आएंगे कि नहीं NDTV नहीं, ये वाला नंबर 1 है। ये तो खेल है दोस्त, ये कोई सर्वे, और भरोसा किस पे करोगे आज के डेट में? किसी पे भरोसा नहीं है आज के डेट में इस देश में। जो सर्वे करने वाले थे, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो स्तंभ बने हुए थे आपके, चाहे जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे आंकड़े आते थे कि सरकार के कामकाज किस हिसाब से चल रहा है, जो एक मीटर था सरकार के कामकाज को नापने का, वो संस्था ही ध्वस्त हो चुकी है। तो किसकी बात करते हो? ये सब कौन से सर्वे वाले हैं? ये सब पेड सर्वे वाले हैं। अच्छा, एक और सर्वे था कि 55% जो किसान है वो चाहते हैं, हालांकि जो किसान है असली में वो तो ट्विटर चलाते नहीं है, वो तो पोल में हिस्सा नहीं लेते, वो कह रहे हैं कि 55% किसान चाह रहे हैं कि इन कानूनों को जो है लागू कर लो। हम कहते हैं 100% गोदी मीडिया चाह रही है कि ये बिल लागू हो जाए।
इसका भी एक सर्वे करा लो। 100% जो गोदी मीडिया है वो चाहती है कि बिल लागू हो जाए। किसकी बात कर रहे हो, कौन से ट्विटर पे ये कर लेते हैं, ट्विटर पे कौन वोट दे रहा है, कौन से किसके लिंक है, ये सब फर्जीवाड़ा है, ये सब फर्जीवाड़ा है। किसी सर्वे की बात करना बेकार है यहाँ पे, ये सब प्लांटेड सर्वे हैं। आपको पता है 1934 में जो किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं सहजानंद सरस्वती उनका नाम था, उन्होंने एक नारा दिया था उस टाइम में कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा कानून वही बनाएगा ना। 1934 में ये कहा था उन्होंने, किसके लिए, किसानों के लिए, किसान आंदोलन के वो जनक कहे जाते हैं। उन्होंने कहा था जो अन्न वस्त्र उपजाएगा कानून वही बनाएगा, ये भारत वर्ष इन्हीं का है, ये देश यही चलाएगा। तो ये 1934 में कहा था, 2020 में अब वो टाइम आ गया है कि ये देश यही किसान चलाने वाले हैं, कानून भी यही बनाएंगे, ये मोदी साहब समझ ले आज ग्रेट में आपको काबू कर सकते हैं। इंसान तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इनके। तो जाते जाते एक और सवाल, जो इन कानूनों की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है यानी संवैधानिकता है, उसकी जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट जो है रोजाना सुनवाई कर दे राम मंदिर की तरह। अब अर्नब की लिस्टिंग जो है अगले दिन हो जाती है और किसान दो महीने से पड़े, तो सुप्रीम कोर्ट में भी सब कुछ। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस कानून को होल्ड पे कहा गया कि रख रहे हैं, और सरकार बाद में कहती है कि हम इसको 1.5 साल 18 महीने की बात सरकार, जो ऑफिशियली मैंने स्टेटमेंट देखा, पहली बार बताइए कि इसके ऊपर PDT आचार्य और सुभाष कश्यप दोनों लोकसभा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रहे, उन्होंने इस पे बयान दिया है कि ये असंवैधानिक बात। तो सरकार खुद कह रही है कि जब एक बार कानून राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, गजट का नोटिफिकेशन हो गया, ये कानून होल्ड नहीं किया जा सकता। उन्होंने वर्ड यूज किया, कैसे सरकार इसको अबेंस में डाल सकती है, अबेंस का मतलब है टाल सकती है, ये खुद ही गैर कानूनी है। किसी भी संसद के किसी भी किताब में ये वर्ड नहीं है कि आप कानून को ऐसे होल्ड पे डाल देंगे या इसको टाल देंगे। अभी तो सरकार जो 1.5 साल के लिए कह रही है, मैं फिर दोबारा नाम बताता हूँ, सुभाष कश्यप और PDT आचार्य का लेख है द इंडियन एक्सप्रेस में, जाके पढ़िए। ये जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल ही असंवैधानिक उन्होंने कहा। उन्होंने अलग अलग रास्ते बताए कि आप गजट का नोटिफिकेशन पहले कैंसिल कर दीजिए या संसद के अंदर लेकर के इस कानून को आप रिपील कीजिए। उन्होंने इस पर बहुत बड़ी चीज़ें सब लिखी हैं। तो जो किसानों को कहा जा रहा है इसके अंदर बहुत बड़ा झोल है, जिसको पढ़ने के बाद जो जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए जो अबेंस की बात करें यानी कि टालने की बात करें या ठंडे बस्ते में डालने की बात करें, ये असंवैधानिक बात है। ये जानकार लोगों का कहना है, ये ऐसा नहीं होता। या तो ये रिपील करें पहले, या तो गजट का नोटिफिकेशन जो उन्होंने जारी कर दिया था जिसके बाद कानून लागू हो चुका है, या तो उस नोटिफिकेशन के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकालें कि हम उस गजट नोटिफिकेशन को कैंसिल करते हैं और फिर जाके बिल रिपील करें। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, किसान भी समझ जाएंगे, ये असंवैधानिक बातें हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2 महीने हो चुके हैं, क्यों ये सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों इन कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा है। कह रही अरविंद वत्स थे, इनका खुद का खासा अंदाज है बोलने का और प्रमुखता से जो है तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं। खैर, इस खबर को लेके आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।